क्लास 12 में आ गए, आपको आर्किटेक्ट बनना है। अब आपका एक ही टारगेट है SPA NIT। तो मोगे इंस्टीट्यूट लेके आया है फाउंडेशन बैच JEBR 2025। इसमें आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, तो इसमें ड्राइंग मैं सिखाऊंगा, एप्टीट्यूड GK एंड मैथ अक्षय सर सिखाएंगे। हर लाइव क्लास के बाद आपको मिलेगा PDF नोट्स, ड्राइंग असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर आपका लाइव क्लास मिस होता है तो आपको इसकी सारी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इन फाउंडेशन बैच में आपके लिए जाएंगे 200 प्लस ड्राइंग के असाइनमेंट्स, 60 मॉक टेस्ट एंड 4000 GK एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। मोगेज इंस्टीट्यूट की खासियत, लिमिटेड स्टूडेंट, टॉप रिजल्ट एंड लोएस्ट फी। तो यहां दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। JEE मेंस पेपर 2 BR 2025 के लिए यहाँ पर मैं कुछ मटेरियल बताने वाला हूँ ड्राइंग से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग के सब्जेक्ट आता है और ड्राइंग में आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। तो कम से कम इसमें कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको लगेंगे पेंसिल्स, और ड्राइंग करने के लिए जो पेंसिल मैं यूज़ करने के लिए बोलता हूँ, यहाँ पर कुछ मेरे पास थोड़े छोटे पेंसिल्स भी हैं। तो ये नटराज की पेंसिल है, ये डोम्स की पेंसिल है, ये भी डोम्स की पेंसिल है। तो ये HB की पेंसिल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि HB की पेंसिल जो है वो यूज़ करना चाहिए ड्राइंग के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पोर्ट्रेट भी आता है, 3D कंपोजिशन भी है और मेमोरी ड्राइंग भी है। ये भी आपको ब्लैक एंड वाइट करने के लिए बोलते, तो उसके लिए आप, मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो पेंसिल आप ले सकते हो, या तो दूसरे भी पेंसिल्स ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं, ये आर्ट लाइन की पेंसिल है, और ये आर्ट लाइन की पेंसिल, यहाँ 6 पेंसिल्स आते, HB 2B 4B 6B 8B एंड 10B। तो ये जो पेंसिल्स है, ये पेंसिल्स आप खरीद सकते हो, ये बहुत सस्ते है, 70-80 रुपीज़ का ये कंप्लीट पैकेट आता है, और ये पेंसिल आपने यूज़ करना चाहिए। सेकंड बात, इम्पॉर्टेंट जो बात है कि आप पेपर कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये जेरोक्स पेपर यहाँ पर बोलता हूँ लेने के लिए हमेशा। तो ये जेरोक्स पेपर बहुत सस्ते मिलते, 200-225 रुपये के 500 पेपर, यहाँ पर 500 पेपर आते। A4 साइज़ का पेपर की साइज़ रहती है, यहाँ पर देख सकते, A4 साइज 70 या 80 GSM के आपने प्रैक्टिस के लिए पेपर लेने चाहिए। पेपर किस तरह रहते ये भी यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इस तरह के ये पेपर्स रहते, तो ये पेपर आपको बहुत यूज़फुल होगे, और मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए ये पेपर काफ़ी अच्छे हैं, सस्ते हैं, और काफ़ी अच्छे इससे आपको बेनिफिट होगा। कम से कम 200 प्लस असाइनमेंट आपके होने चाहिए अगर आप यहाँ से आप ड्राइंग स्टार्ट करते हो। जो भी ड्राइंग करना है वो आपको हाथ से करना है, कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है। तो भी कुछ कुछ जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मेजरमेंट के क्वेश्चन जो आते हैं। ज्योमेट्रिकल बॉक्स है, अच्छे क्वालिटी का ज्योमेट्रिकल बॉक्स लेना है, ताकि इसके अंदर सारे इक्विपमेंट रहे, इंस्ट्रूमेंट रहे। इस टाइप का ये बॉक्स आपको लेना है, इसमें इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये एक बॉक्स लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर कौन सी यूज़ करने हैं। तो देखो, आपके अगर आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है तो आप स्टैटलर के कलर्स ले सकते हो। ये थोड़े महंगे, 1500 से 2000 के बीच में यहाँ पर ये कलर 48 कलर्स आएंगे, ये साइड में रखता हूँ। ये जो डोम्स के कलर है, ये सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट करके यहाँ पर आते हैं, ये डोम्स के कलर, यहाँ मैं खुलकर दिखाता हूँ। तो ये डोम्स के पेंसिल कलर है, तो ये भी आप ले सकते हो। ये लगभग 200 या 250 रुपये के अंदर अंदर ये कलर्स आ जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप डोम्स के कलर यूज़ करो, और डोम्स के कलर ये 120 रुपीज़ के, डोम्स के 24 शेड्स यहाँ पर यूज़ करने हैं। क्योंकि हम जब असाइनमेंट करते हैं तो 200 प्लस असाइनमेंट्स यहाँ पर मैं करवा लेता हूँ बच्चों से। तो ये जो कलर्स है, ये आपको कम से कम 2-3 बॉक्स लगेंगे। तो इस हिसाब से मैं इकोनॉमिकली अगर सोचेंगे तो ये कलर काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मोगेज इंस्टीट्यूट के जो भी बच्चे
ड्राइंग में 99+ परसेंटाइल में आए तो यही कलर यूज़ किए, ऐसा नहीं कि स्टेटलर के कलर यूज़ किए या डोम्स के ये सुपर सॉफ्ट यूज़ किए, ऐसा नहीं है। तो बच्चों यहाँ जो प्रैक्टिस की जाती है वो काफ़ी अच्छे से की जाती है। तो यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमने अभी 2 दिन पहले बैच स्टार्ट की है, जो फाउंडेशन बैच है ये आपको जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट इसके लिए रहेगी और फीस बहुत मिनिमम है। तो बच्चों यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बैच में अगर ज्वाइन होंगे तो आपको 99% ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 7-8 महीने आपके हाथ में है और ये प्रैक्टिस जो है ये काफ़ी अच्छे से की जाती है। हमारा जो टाइमिंग है इवनिंग का टाइमिंग है, फीस बहुत मिनिमम है। यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है नीचे, उसके ऊपर आप आपका नाम रजिस्टर करवा सकते, कॉल कर सकते फीस के लिए। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।